हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स की, और प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स में भी जो एक पर्टिकुलर आज हम बात करेंगे वो है इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इंजेक्शन मोल्डिंग जिस प्रोसेस के द्वारा मेटल, प्लास्टिक या रबर के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे पर्टिकुलरली प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स, यानी कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग में क्या क्या मशीन्स यूज होती हैं और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी प्लास्टिक यूज होती हैं, इन बारे में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इंजेक्शन मोल्डिंग का ये पहला पार्ट है हमारे लेक्चर का, इसको ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग, जैसा कि ये वर्ड है, इंजेक्शन मोल्डिंग दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है द फोर्सफुल इंसर्शन ऑफ अ सब्सटेंस अंडर प्रेशर, मतलब हम किसी चीज को फोर्सफुली, यानी कि प्रेशर अप्लाई करके किसी दूसरी चीज के अंदर एंटर करवाते हैं। जैसे हमारे इंजेक्शन जब लगता है तो डॉक्टर भी उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ओके, इसीलिए उसको इंजेक्शन बोला जाता है। वो दवा हमारे इंजेक्ट की जा रही है, प्रेशर लगा करके हमारे शरीर में डाली जा रही है। तो ये तो हो गया इंजेक्शन। और इसी के साथ अगर हम समझें कि मोल्डिंग, तो मोल्ड मतलब होता है सांचा, सांचे में किसी चीज़ को अगर भर के जमाया जाए, ये प्रोसेस होता है मोल्डिंग का। तो मोल्डिंग इज टू कन्वर्ट समथिंग इनटू अ पर्टिकुलर शेप बाय प्रेसिंग और पुटिंग इट इनटू अ मोल्ड, मतलब किसी भी मटेरियल को किसी मोल्ड, यानी कि सांचे में डाल करके, दबाव डाल करके या जमा करके अगर उसकी शेप में, उसके आकार में परिवर्तित किया जाए, तो इसको बोला जाता है मोल्डिंग। तो इंजेक्शन मींस फोर्सफुली हमने पहले मोल्ड में डाला और फिर उस मोल्ड में ही उसको हमने जमने दिया, सॉलिडिफाई होने दिया। इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो उससे जो टेक्निक हमारे सामने आती है वो कहलाती है इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इंजेक्शन मोल्डिंग क्या है, देखिए, अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पार्ट्स बाय इंजेक्टिंग मोल्टेन मटेरियल इनटू अ मोल्ड। मोल्टेन मटेरियल को मोल्ड यानी कि सांचे में डाल करके जब हम जमाने के लिए छोड़ देते हैं, और जमने के बाद यानी कि सॉलिडिफाई जब हो जाता है, ठोस हो जाता है, उसको हम मोल्ड से निकाल लेते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है इंजेक्शन मोल्डिंग। जैसा कि आपको नीचे दिए गए वीडियो में दिखाई दे रहा है, नीचे एक छोटा सा एनिमेशन है, ये देखिए। सबसे पहले ये दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, मोल्ड ओपन दिख रहा है, इससे ये पार्ट निकला बन करके। अब इसका ये स्टेप हुआ मोल्ड क्लोज, बीच में कैविटी में देखिए हरे रंग का मटेरियल फिल हुआ और ऑरेंज कलर का ये प्रोडक्ट बन करके निकल के आया। ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका होता है इंजेक्शन मोल्डिंग। बात करें हम अगर इंजेक्शन मोल्डिंग की डेफिनेशन की, तो इंजेक्शन मोल्डिंग इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मोल्डेड प्रोडक्ट्स बाय इंजेक्टिंग द प्लास्टिक मटेरियल्स मोल्टेन बाय हीट इनटू अ मोल्ड फॉलोड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग। मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है मोल्डेड प्रोडक्ट्स को बनाने का, जिसमें हम मोल्टेन प्लास्टिक यानी पिघली हुई प्लास्टिक, जिसको हम हीट के द्वारा पिघला करके, मींस किसी चीज़ के द्वारा गर्म करके पिघला करके मोल्ड यानी सांचे में डालते हैं, और उसके बाद उसे ठंडा होने और ठोस होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो ठोस हो जाता है तो उससे हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, ओके। तो चलिए अब आगे इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में अगर हम आगे देखें, तो इंजेक्शन मोल्डिंग जिन जिन मटेरियल्स की जाती है उसमें प्लास्टिक भी है, रबर भी है और मेटल्स भी हैं। मेटल्स के भी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक के भी और रबर के भी। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स की, तो हमारा फोकस होगा आज प्लास्टिक के लिए यूज होने वाले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के ऊपर, ओके। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्लास्टिक के लिए क्या क्या प्रोसेस, कैसे कैसे ये प्रोसेस काम करता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरह की प्लास्टिक्स में इंजेक्शन मोल्डिंग की जा सकती है, जैसे कुछ थर्मोसेट प्लास्टिक होती हैं, कुछ थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं, उन दोनों पर ही इंजेक्शन मोल्डिंग की जा सकती है। थर्मोसेट में से कुछ हो सकती हैं और थर्मोप्लास्टिक सभी लगभग इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं। इसका जो एप्लीकेशन है, मतलब इसका जो यूज़ करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का, ये बड़े उत्पादन यानी कि जहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हमें कम क्वांटिटी में, कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो हम इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज जनरली नहीं करते हैं, बल्कि हम मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। मास प्रोडक्शन का मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ प्रोड्यूस होते हैं और लगातार प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, जो प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स कैप, ये जो कैप्स होती हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होती है, क्योंकि ये यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट है, हम लोग यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, तो इनकी लगातार मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसके लिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे
हमारे डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं जिनके लिए मास प्रोडक्शन, जो कंज्यूमेबल है, डेली डेली उनका प्रोडक्शन चलता रहता है और बल्क में होता है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स, बच्चों के खिलौने हो गए, बहुत सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए, उनमें इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाने के लिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड शेप के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम फोर्सफुली यहाँ पर मटेरियल को मोल्ड में डालते हैं तो इजीली फिलिंग हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड अगर शेप है मोल्ड की, यानी कि कैविटी जो है वो बहुत जटिल भी है, तो भी क्योंकि हम फोर्स लगा करके इंसर्ट करा रहे हैं मोल्टेन मटेरियल को, तो वो इजीली अंदर इंसर्ट हो जाएगा और मोल्ड की शेप ले लेता है। ओके, तो ये दो मेन रीज़न है जो हम इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहिए ताकि हमारे वीडियोस में हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे कंटेंट आप तक पहुँचाते रहें। ओके, तो बहरहाल हम बात करने जा रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मुख्य रूप से, बेसिकली अगर हम बात करें तो तीन तरह की होती हैं, जिसमें एक होती है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, दूसरी होती है सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, तीसरी होती है ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इन तीनों ही इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स में जो पार्ट्स होते हैं उनके लगभग सभी में आपको वो पार्ट्स मिलेंगे, बस उनको ऑपरेट करना यानी कि एक्चुएट करना जिसको हम बोल सकते हैं, उनको चलाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कहीं पर हो सकता है कि उस मशीन के सारे पार्ट्स हम मैन्युअली फोर्स लगा करके उनको हम चला रहे हों, कहीं पर हो सकता है कि कुछ मशीन के जो ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिक हों, बाकी हम मैन्युअली कर रहे हैं तो उनको हम सेमी ऑटोमेटिक की कैटेगरी में रख देते हैं। और जहां पर मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक होती है वहां पर हमको खाली एक बार डेटा को फीड करके, प्रोग्रामिंग करके मशीन छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आज के टाइम पर जो ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं, जिनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। ओके, तो जो मेन पार्ट्स होते हैं इन सभी में, उनके कुछ नाम हम सुन लेते हैं, वो हैं क्लैंपिंग यूनिट, इंजेक्शन यूनिट, ड्राइव यूनिट, हीटिंग सिस्टम, मोल्ड और हॉपर। ये पार्ट्स आपको ये तीनों ही कैटेगरीज में, यानी कि हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग, सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, इन तीनों में ही दिखाई देंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होती है और कैसे काम करती है। ओके, तो ये रहे हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कुछ बेसिक पार्ट्स। हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ अ वर्टिकल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स सच एज बैरल, प्लंजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुश रॉड, बैंड हीटर्स या हीटिंग कॉयल्स, रैक एंड पिनियन सिस्टम टू ड्राइव या मूव द पुश रॉड अप एंड डाउन, एंड क्लैंपिंग यूनिट एज वेल एज मोल्ड। तो इनको हम पहले देख लेते हैं ये पार्ट्स क्या क्या हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है ये है पुश रॉड। ओके, पुश रॉड जो आपको ग्रे कलर का पार्ट दिख रहा है ये है पुश रॉड। ठीक, पुश रॉड पर ही नीचे ये जो पार्ट लगा हुआ है ये है प्लंजर। पुश रॉड का जो ये चौड़ा वाला भाग आपको दिख रहा है, जो ग्रे कलर की आपको दिख रही है, पुश रॉड है। पुश रॉड के नीचे वाला पार्ट जो है ये है प्लंजर। लाल वाला जो हिस्सा है ये है हॉपर। हॉपर के द्वारा मटेरियल डाला जाता है, यानी कि प्लास्टिक के दाने हम हॉपर में डालते हैं और हॉपर से होते हुए वो नीचे पहुंचते हैं बैरल में। ये जो हरा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर का जो आयताकार यानी रेक्टेंगुलर पार्ट है दिस इज कॉल्ड बैरल, एंड द लोअर पार्ट जो आपको ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है दिस इज कॉल्ड नोजल। ओके, तो इस नोजल के बाद नीचे जो आपको ये ग्रे कलर का हिस्सा दिख रहा है ये है मोल्ड। मोल्ड के दो पार्ट होते हैं, दो हाफ में मोल्ड डिवाइडेड होता है। एक ये देखिए इधर वाला हिस्सा है, ये फिक्स्ड प्लेट है या फिक्स्ड मोल्ड पार्ट है, और इधर वाला जो हिस्सा है ये मूवेबल है। ये मोल्ड इस स्क्रू की सहायता से हम खोल सकते हैं। ओके, और बीच में जो लाल हिस्सा दिख रहा है ये है कैविटी। ठीक है, तो देखिए होता क्या है इसमें, अगर हम वर्किंग की बात करें तो ये जो पुश रॉड है इस पर आपको दिख रहे होंगे मैंने यहाँ पर टीथ शो की हैं, जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं इसका मतलब है कि ये टीथ हैं। ये बोला जाता है रैक। अगर इसके ऊपर हम एक गियर लगा दें, गियर चला दें एक छोटा सा, तो वो गियर जब घूमेगा तो इस रॉड को ऊपर नीचे पुश करेगा, जैसा कि आपको देखिए यहाँ पर साइड में एक वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये गियर पुश रॉड को ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहा है। ओके,
तो ये पुश रॉड जब ऊपर नीचे मूव होती है तो जो पिस्टन वाला हिस्सा है या प्लंजर वाला हिस्सा है इसका नीचे वाला, वो हॉपर में जाता है। हॉपर में ऑलरेडी हमने प्लास्टिक के दाने यानी प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स हमने फीड कर रखे हैं, तो ये प्लंजर उनको फोर्स करता है। अब क्योंकि इसके थ्रू बैरल पूरा भरा हुआ होता है प्लास्टिक ग्रेन्यूल से, जब पिस्टन इसको प्रेस करता है तो फोर्सफुली नोजल के द्वारा होते हुए ये मोल्टन प्लास्टिक, मोल्टन कैसे हुई तो उसके लिए देखिए हमने हीटिंग कॉयल लगा रखी है, ठीक है। इस बैरल के चारों तरफ हीटिंग कॉयल्स होती हैं, तो जो भी प्लास्टिक यहाँ पर आई वो पिघलती जा रही है। तो ये पिघली हुई प्लास्टिक इस प्लंजर के प्रेशर के कारण नोजल से होती हुई इस कैविटी में आ जाती है, और उसके बाद हम थोड़ी देर पुश रॉड को उसी अवस्था में रखते हैं और फिर इसको पीछे हम हटा देते हैं। पुश रॉड को घुमाने के लिए और ये जो नीला वाला स्क्रू है जो इस मोल्ड को ओपन और क्लोज करता है, इन दोनों के लिए यहाँ पर हम लीवर्स का यूज़ करते हैं। जैसे ये एक हैंडल येलो कलर का आपको दिख रहा है, इसको जब हम घुमाते हैं तो पुश रॉड ऊपर नीचे होती है, क्योंकि ये जो है लीवर है इसी के पीछे लगा होता है पिनियन, रैक एंड पिनियन का पिनियन वाला हिस्सा इस येलो कलर की पुश रॉड से कनेक्टेड होता है। जब हम इसको चलाएंगे तो ये पिनियन घूमेगा और पिनियन के घूमने से ये पुश रॉड ऊपर नीचे होती है, जबकि इस स्क्रू को ओपन करने के लिए एक यहाँ पर क्लैंपिंग लीवर लगा होता है। ये क्लैंपिंग लीवर को जब हम घुमाएंगे तो देखिए ये थ्रेडेड स्क्रू है, ये स्क्रू ओपन होता है, ये ऐसे घूमेगा जब तो स्क्रू ओपन होगा और पीछे आएगा, और इसके साथ ये जो क्लैंप का हाफ पार्ट है मूवेबल वाला ये भी पीछे आता है, क्लैंप ओपन हो जाता है और पार्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। उम्मीद है इसका वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। दिस इज फुल्ली मैनुअल मशीन, यानी कि ये क्योंकि पूरी तरह से हैंड ऑपरेटेड है तो कंप्लीटली ये मैनुअल मशीन है, मतलब मानव द्वारा संचालित है, इसमें कोई भी ऑटोमेटेड पार्ट्स नहीं है, ठीक। इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल कंपोनेंट्स इन लिमिटेड क्वांटिटी। अगर हमको कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाने हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने होंगे और हम इससे बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा समय लेगा और उतनी अच्छी एक्यूरेसी भी हमको नहीं मिलेगी, तो लिमिटेड क्वांटिटी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और स्मॉल साइज के प्रोडक्ट्स जो चीप इन कॉस्ट यानी कि सस्ते प्रोडक्ट्स और स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल साइज में हमें बनाने होते हैं, उनके लिए हम हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज़ करते हैं। अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग मैंने अभी आपको समझाई है, होपफुली समझ में आ गई होगी वर्किंग ऑफ मशीन। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया है ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। तो पैलेट्स ऑफ प्लास्टिक्स आर सेंट टू द बैरल थ्रू हॉपर, मैंने बताया था हॉपर के द्वारा बैरल में प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स या पैलेट्स जिनको बोला जाता है उनको डाला जाता है। दीज आर मेल्टेड बाय द हीटिंग कॉइल्स, बैरल के चारों तरफ हीटिंग कॉइल लगी हैं, उनके द्वारा इनको पिघलाया जाता है या गर्म किया जाता है। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ पुश रॉड द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दिस मोल्टन और सॉफ्टन प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक पिघल जाती है या हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट या मुलायम हो जाती है, इस पर हम पुश रॉड के द्वारा प्रेशर अप्लाई करते हैं और इससे प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक इज सेंट टू द मोल्ड कैविटी वाया नोजल, नोजल से होते हुए ये सॉफ्ट या पिघली हुई प्लास्टिक मोल्ड कैविटी में पहुंच जाती है। मोल्ड क्लैंपिंग इज डन बाय द थ्रेडेड स्क्रू, मैंने आपको बताया था नीचे जो नीले रंग का स्क्रू दिख रहा है इसके द्वारा मोल्ड क्लैंपिंग का मतलब होता है मोल्ड को टाइट करके बंद करना, ये किया जाता है। एंड आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन मोल्ड्स आर ओपन एंड प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, तो जैसे ही सॉलिडिफाई हो जाएगा हम फिर से इस मोल्ड को ओपन करते हैं नीले वाले स्क्रू को घुमा करके और प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गई वर्किंग ऑफ हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अब अगर हम बात करें सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की, तो ये दोनों ही लगभग देखने में एक सी होती हैं, वर्किंग में भी एक सी होती हैं। केवल जो डिफरेंस होता है वो ये है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो होते तो हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम से अटैच हैं, लेकिन उनको एक्चुएट हमको मैनुअली करना होता है, अपने आप एक्चुएट नहीं होते हैं। कुछ लीवर्स के द्वारा हमें उन मशीन्स को या मोटर्स को या हाइड्रोलिक सिस्टम्स को एक्चुएट करना पड़ता है। तो देख लेते हैं, बोथ ऑफ दीज मशीन्स आर सिमिलर इन वर्किंग एंड मेजर पार्ट्स, दोनों मशीन के मेजर पार्ट्स और वर्किंग लगभग सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट इन सेमी ऑटोमेटिक मशीन मटीरियल इज इंजेक्टेड इनटू द मोल्ड बाय प्लंजर एंड क्लैंपिंग ऑफ द मोल्ड एंड इजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज डन मैनुअली।
सेमी ऑटोमेटिक में जो प्लंजर टाइप मशीन होती है सिंपली, वहाँ पे सिंपल प्लंजर होता है जो एक पिस्टन की तरह से एक्ट करता है और मटेरियल को फोर्स करता है, प्रेस करते हुए आगे शिफ्ट कर देता है जब प्लास्टिक पिघल जाती है। जबकि इसकी जगह ऑटोमेटिक मशीन में बात करी जाए तो वहाँ पर एक स्क्रू टाइप प्लंजर होता है, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइप प्लंजर होता है जो आगे पीछे मूव भी कर सकता है और अपनी जगह पर घूमता भी है। उसके ऊपर थ्रेड्स यानी कि चूड़ियाँ बनी होती हैं, ठीक है, जो चूड़ियों की वजह से प्लास्टिक अपने आप आगे घूमती जाती है। ये मैंने आपको अभी आगे दिखाऊंगा डायग्राम में। ओके, तो जो डिफरेंस है सेमी ऑटोमेटिक में वो हमको क्या दिखा कि इसमें जो इजेक्शन होता है यानी कि प्रोडक्ट को निकालने की जो जो प्रक्रिया है और मोल्ड की क्लैंपिंग यानी कि मोल्ड बंद करने की प्रक्रिया है, ये कनेक्ट तो होती है हाइड्रोलिक सिस्टम से या दूसरे न्यूमेटिक सिस्टम से, लेकिन इनको एक्चुएट हमें मैनुअली करना पड़ता है। मतलब हमने कोई एक लीवर प्रेस किया तो उससे वो मशीन ऑपरेट हुई या मोटर ऑपरेट हुई, हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू क्लैंप बंद हो गया यानी कि मोल्ड बंद हो गया, मींस क्लैंपिंग हो गई। तो ये डिफरेंस है। ओके, दोनों मशीन देखने में लगभग एक जैसी या वर्किंग पार्ट्स में एक जैसी होती हैं, केवल इनको एक्चुएट करने में डिफरेंस होता है। इन ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन एवरीथिंग एंड स्टेप ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली एज पर द टाइम सेट बाई ऑपरेटर। ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो होती है, मैंने अभी आपको बताया था, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होती हैं, टाइमर सेट होते हैं। एक बार हमने अगर सेट कर दिया तो किस समय क्या ऑपरेशन होना है, किस समय कौन सा पार्ट मूव होना है, कब मटेरियल इंजेक्ट होना है, कब क्लैंपिंग होनी है, कब मटेरियल रिमूव होना है क्लैंप मोल्ड को ओपन करके, ये सारा कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहता है। ऑपरेटर केवल इसको मॉनिटर करता है, देखता रहता है एक बार प्रोग्रामिंग करने के बाद। इसमें एक रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू मैकेनिज्म होती है जो प्लास्टिक को मोल्ड में फीड करती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है दोनों में। सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स आर ऑफ टू टाइप, वर्टिकल प्लंजर टाइप एंड हॉरिजॉन्टल प्लंजर टाइप। ये वर्किंग पे डिपेंड कर रहा है। अगर जो प्लंजर यानी पिस्टन है ये वर्टिकली मूव कर रहा है, वर्टिकली इसकी इस जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो वर्टिकल है, प्लंजर मींस अप एंड डाउन मूव करता है, तो हम उसको बोल देते हैं वर्टिकल एक्सिस सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। और अगर ये प्लंजर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो हम बोल देंगे इसको हॉरिजॉन्टली ऑपरेटेड सेमी ऑटोमेटिक प्लंजर टाइप मशीन। तो ये तो हो गए सेमी ऑटोमेटिक की बात। अब अगर हम बात करें पार्ट्स की ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, और दोनों के ही पार्ट्स लगभग मैंने बताया कुछ सिमिलर होते हैं, तो ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इसके पार्ट्स हम देख लेते हैं, पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, जो पार्ट्स हैं, आप एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हॉपर। हॉपर ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। हॉपर का काम क्या है, फ्रॉम हॉपर द रॉ प्लास्टिक मटेरियल और पैलेट्स आर इंसर्टेड इनटू द बैरल फॉर प्रोसेसिंग। ये नीचे जो आपको ब्लैक कलर की ये ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब है बैरल। इस बैरल में प्लास्टिक पैलेट्स को हमें डालना है, उसको डालने के लिए हम हॉपर का यूज़ करते हैं। हॉपर में हम डालते हैं तो उससे प्लास्टिक के पैलेट्स यानी कि ग्रेन्यूल्स जो होते हैं प्लास्टिक के, वो इस बैरल में आते हैं। बैरल में आने के बाद क्या होगा, तो अब आता है नाम रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू का। जो आपको ये पीले रंग का येलो कलर का स्क्रू दिख रहा है, ये है रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू। रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू का क्या मतलब है, देखिए इस पर आपको थ्रेड्स तो दिख ही रहे हैं, ऊपर चूड़ियाँ बनी हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो ये स्क्रू तो है ही, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग मतलब ये आगे पीछे मूव भी कर सकता है। ये कैसे मूव करता है, तो देखिए ये कनेक्टेड है यहाँ पर ये हरे रंग के एक पिस्टन से। पिस्टन के इस तरफ भरा हुआ है हाइड्रोलिक ऑयल। जब ये ऑयल प्रेशराइज्ड ऑयल यहाँ पर भरता है तो ये पिस्टन को आगे धक्का देता है, और ये पिस्टन जब आगे जाएगा तो ये स्क्रू जो है ये भी आगे मूव कर जाएगा, और जैसे ही ये हाइड्रोलिक फ्लूइड वापस जाएगा तो रिट्रैक्टिंग मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से ये पिस्टन वापस आएगा और उससे स्क्रू भी वापस अपनी पोजीशन में आएगा। तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे पीछे जा सकता है, तो रेसिप्रोकेटिंग है और स्क्रू है, ये है ही। तो अब देखिए जो यहाँ से बैरल में पैलेट्स आए, वो क्योंकि ये स्क्रू अपनी जगह पर घूमता रहता है, उसके लिए हमने यहाँ पर मोटर लगा रखी है। देखिए अब देखिए, तो ये स्क्रू जो है ये अपनी जगह पर घूमता रहता है, उसके लिए हमने यहाँ पर नीचे एक मोटर लगा रखी है, और मोटर से गियर के थ्रू
ये कनेक्ट कर रखा है, तो एक ये गियर है और इसके साथ मैशिंग में एक गियर मोटर में लगा है, तो जब मोटर वाला गियर घूमेगा तो ये वाला गियर भी घूमेगा और इससे जुड़ा हुआ है ये स्क्रू, तो ये भी अपनी जगह पर घूमने लगता है। जब ये घूमेगा तो नट बोल्ट की तरह से समझिए कि नट बोल्ट की तरह से अगर ये घूम रहा है, बोल्ट अपनी जगह घूम रहा है, तो नट आगे पीछे मूव करेगा। वैसे ही जो पैलेट यहाँ पर आकर के रख गया, समझने की कोशिश करेगा, जो पैलेट यहाँ आ गया, स्क्रू अपनी जगह अगर घूम रहा है तो वो पैलेट यानी कि वो दाना धीरे धीरे इसके थ्रेड्स पे से होते हुआ सीधे सीधे वो आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे पैलेट्स जब हम डाल देते हैं इसमें तो वो धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं, यही काम होता है इस स्क्रू का, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू जब आगे बहुत सारे पैलेट्स को इकट्ठा कर देता है, तब इस जोन में जब पैलेट्स आते हैं तो यहाँ लगा हुआ है हीटर, ओके। तो अब हम बात करते हैं हीटर की। तो हीटर का क्या काम है, हीटर या हीटिंग कॉइल्स इस बैरल को गर्म करते हैं और जो प्लास्टिक पैलेट्स यानी प्लास्टिक दाने इसमें अंदर इकट्ठे हुए हैं उनको मेल्ट करने लगते हैं या सॉफ्ट करने लगते हैं। अब ये सॉफ्ट भी हो रहे हैं और पीछे से और पैलेट जो आ रहे हैं वो भी आगे प्रेस हो रहे हैं, तो ये प्रेशराइज्ड फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रेशराइज्ड फॉर्म में मतलब अंडर प्रेशर यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। जब सफिशेंट अमाउंट यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर मोल्ड जो है क्लोज हो जाते हैं, तब ये रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू जो है पिस्टन इसको आगे मूव करवाता है और रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू आगे आकर के इस नोजल के थ्रू, नोजल से होते हुए इस मोल्टन प्लास्टिक को, जो मोल्टन प्लास्टिक यहाँ पिघली हुई प्लास्टिक इकट्ठी हो गई थी, उसको इस कैविटी के अंदर इंसर्ट करवा देता है। ये जो आपको एक पिंक कलर की ये लाइन दिख रही है, ये कैविटी को दिखा रही है, तो इस कैविटी में ये मोल्टन प्लास्टिक ट्रांसफर कर दी जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट इज बैरल, जो मैंने आपको बता दिया। बैरल क्या है, जो आपको ब्लैक कलर की ये ट्यूब दिख रही है, ओके, ये है बैरल। बैरल के अंदर ही ये रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू मोशन करता है और बैरल में ही मोल्टन प्लास्टिक को हम, सॉरी, प्लास्टिक पैलेट्स को हम डालते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट इज रैम। इट इज अ रेसिप्रोकेट, इट रेसिप्रोकेट अंडर प्रेशर ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। रैम क्या है, रैम मतलब ये पिस्टन की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पिस्टन है ये हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से आगे पीछे मूव करता है, मीन्स रेसिप्रोकेट करता है, और जब ये आगे मूव करता है तो रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू भी आगे मूव करता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और अल्टीमेटली रैम के द्वारा आगे मूव होने से रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू आगे मूव होते हुए प्लास्टिक को फोर्सफुली नोजल के द्वारा कैविटी में इंसर्ट करवा देता है या इंजेक्ट करवा देता है। तो नेक्स्ट पार्ट की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मोल्ड। मोल्ड का मतलब सिंपली होता है सांचा। तो यहाँ पर जो मोल्ड होता है वो दो पार्ट में होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो कैविटी बनानी होती है उसका आधा भाग एक हिस्से में होता है, आधा भाग दूसरे हिस्से में होता है। जब मोल्ड के दोनों हिस्सों को हम मिला करके रख देते हैं तो उसके अंदर एक कैविटी जो बनती है वो उस प्रोडक्ट की शेप बन जाती है जो हमें चाहिए था, ओके। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए एक डार्क ग्रे साइड आपको दिख रही है, ये है एक भाग। लाइट ग्रे वाला आपको जो दिख रहा है ये है दूसरा भाग। मोल्ड के दोनों भागों को हमने मिला करके रखा तो अंदर ये कैविटी तैयार हो गई और इसी कैविटी में हम प्रोडक्ट को फिल करते हैं। ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं इनमें से एक मूवेबल होता है और एक फिक्स होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये देखिए ये फिक्स्ड प्लेटन से अटैच्ड है और दूसरा वाला जो भाग है ये मूवेबल प्लेटन से कनेक्टेड है। मूवेबल प्लेटन से जुड़ा होने के कारण ही यही वाला हिस्सा ओपन होता है। मोल्ड का जो हिस्सा नोजल की साइड जुड़ा हुआ होता है या फिक्स्ड प्लेटन से, वो मूव नहीं करता है, बल्कि जो मूवेबल प्लेटन से जुड़ा हुआ है वो ही ओपन होता है। इसके लिए इसके पीछे क्लैंपिंग यूनिट लगी होती है, जो क्लैंपिंग यूनिट इसको आगे पीछे ले जाने का यानी टाइट करने का, खोलने और बंद करने का काम करती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगला जो पार्ट आता है वो क्लैंपिंग यूनिट, जिसका मैंने काम बताया। इट्स बेसिक पर्पज इज टू क्लैंप द मोल्ड हाफ्स टुगेदर अंडर रिक्वायर्ड क्लैंपिंग प्रेशर। तो क्लैंपिंग का मतलब हो गया दोनों मोल्ड हाफ्स को एक दूसरे के साथ टाइटली बंद कर देना, और इसके लिए जो क्लैंपिंग प्रेशर होता है वो हमें पहले से कैलकुलेट करना होता है, जो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पर, अलग अलग प्लास्टिक के लिए और अलग अलग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के लिए ये प्रेशर अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्लैंपिंग प्रेशर पहले से कैलकुलेट कर दिया जाता है और ये हमेशा इंजेक्शन प्रेशर से ज़्यादा रखा जाता है, जिसकी वजह ये है कि अगर हमने इंजेक्शन प्रेशर जो हमने अप्लाई किया, ज़्यादा प्रेशर से अगर प्लास्टिक
इंजेक्ट हो रही है मोल्ड में और हमने मोल्ड को कस के टाइट नहीं किया हुआ है, तो वो मोल्ड ओपन हो जाएगा और उसके बीच में गैप हो जाएगा दोनों हाफ के बीच में, जिसकी वजह से फ्लैश मतलब उस गैप में से कुछ पार्ट प्लास्टिक का निकल जाएगा जो एक प्रकार का डिफेक्ट बना देगा। ओके, तो ये हो गई बात क्लैंपिंग यूनिट की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कूलिंग चैनल्स की। तो कूलिंग चैनल्स एक ऐसी चीज़ है जो हमको ऊपर से नहीं दिखाई देती है, ये मोल्ड के अंदर जो मोल्ड हाफ्स होते हैं दोनों हिस्से मोल्ड के, उनके अंदर कुछ पैसेजेस होते हैं पतली पतली नलियां टाइप की, ठीक है, जिनमें लिक्विड कूलेंट बहता रहता है, वाटर भी हो सकता है या दूसरे कूलेंट्स भी यूज होते हैं, तो लिक्विड कूलेंट बहता रहता है जिसका काम ये होता है कि वो मोल्ड को ठंडा रखते हैं। इससे होगा क्या, जो मोल्टन प्लास्टिक आ रही है बैरल से नोजल के थ्रू होते हुए मोल्ड कैविटी के अंदर आती है, वो बहुत गर्म होती है, उसको अगर हमें ठंडा करना है तो मोल्ड को हम पहले से ही ठंडा करके रखते हैं जिससे सॉलिडिफिकेशन जल्दी हो और ये कूलिंग में सहायता करता है। तो ये होते हैं कूलिंग चैनल्स। जब जल्दी कूलिंग होगी तो जल्दी सॉलिडिफिकेशन होगा और प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। अब देखिए इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस की बात करें तो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहला स्टेप आता है, वो आता है मोल्ड को क्लोज करना, ठीक है। तो सबसे पहले मोल्ड को क्लोज किया जाता है और इसका पूरा का पूरा जो काम किया जाता है ये क्लैंपिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। क्लैंपिंग यूनिट इसके लिए अलग अलग तरह की यूज़ होती हैं जो आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैनुअल क्लैंपिंग होती है, टॉगल टाइप क्लैंपिंग होती है एंड हाइड्रोलिक क्लैंपिंग। तो हाइड्रोलिक क्लैंपिंग या जो भी क्लैंपिंग हम यूज़ करते हैं उसके द्वारा हम सबसे पहले मोल्ड को बंद करते हैं, इसी को बोलते हैं क्लैंपिंग। तो सबसे पहला स्टेप है कि मोल्ड को हमने बंद किया। ओके, ये मोल्ड के जो दो हाफ दिख रहे हैं, एक इस तरफ वाला हिस्सा है और एक इस तरफ वाला हिस्सा, इन दोनों को हम पहले एक दूसरे के पास लाते हैं और टाइट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लैंपिंग यूनिट। ये सबसे पहला स्टेप। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड स्टेप क्या होता है। तो सेकंड स्टेप में हम रॉ मटेरियल को, मींस रॉ मटेरियल दैट इज प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स और पैलेट्स आर फेड इनटू द बैरल थ्रू हॉपर एंड देन दीज आर मेल्टेड बाय बैंड हीटर्स। मींस हमने प्लास्टिक पैलेट्स को हॉपर के थ्रू बैरल में डाला और वहां पर हीटिंग कॉइल्स के द्वारा इनको गर्म किया। ये देखिए बैरल में जो ब्लू कलर की हमने पैलेट्स डाले, ये अंदर आए और स्क्रू अपनी जगह घूम रहा है, तो स्क्रू के घूमने से ये पैलेट्स धीरे धीरे आगे जाते हैं और इस जोन में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर हीटर अपना काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये मेल्ट होते जाते हैं। अब क्योंकि ये पैलेट्स यहाँ से आ रहे हैं और आगे शिफ्ट भी हो रहे हैं तो ये मोल्टन प्लास्टिक यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है, पिघली हुई प्लास्टिक इकट्ठी होती जा रही है। ड्यूरिंग दिस स्टेप ऑल्सो द स्क्रू कीप्स रोटेटिंग एंड ट्रांसफरिंग द प्लास्टिक फॉरवर्ड इन द बैरल इन हीटिंग जोन। मतलब इस स्टेप के दौरान स्क्रू अपनी जगह पर रोटेट होता रहता है और प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स जो हैं उनको आगे भेजता रहता है जहां पर वो मेल्ट होते हैं और इकट्ठे होते जाते हैं, पिघलते जाते हैं। सेकंड स्टेप के बाद बात आती है थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप इज इंजेक्शन। जब यहां पर सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक कलेक्ट हो जाती है तब Now the reciprocating screw moves forward and thus injects the molten plastic into the mold। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो रैम था, ये रैम देखिए एकदम एंड पॉइंट पर पहुँचा, मीन्स हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ पर आ गया, उसने प्रेशर अप्लाई किया, रैम आगे मूव किया जिसकी वजह से ये स्क्रू भी आगे मूव किया। अब यहाँ पर बहुत सारी प्लास्टिक इकट्ठी थी molten, उस पर जब प्रेशर पड़ा तो वो इस जगह यानी नोजल के थ्रू होते हुए यहाँ पर कैविटी में फिल हो गई। देखिए नीले रंग का जो आपको फिल्ड पार्ट दिख रहा है ये कैविटी में प्लास्टिक फिल हो गई, ठीक है। तो ये होता है इंजेक्शन। और यहाँ पर जब ये पूरी तरह से भर जाती है उसके बाद भी तुरंत हम इस स्क्रू को पीछे नहीं ले जाते हैं, इसको इसी अवस्था में रोक के रखते हैं जब तक इसकी कूलिंग होती है। कुछ लगभग कूलिंग या इजेक्शन होने से कुछ समय पहले तक इस स्क्रू को हम इसी जगह रोक के रखते हैं, जिसका कारण क्या है, इसको जितनी देर तक हम यहाँ पर रोक के रखते हैं उसको हम बोलते हैं ड्वेलिंग। इस स्टेप को बोलते हैं ड्वेलिंग, और जितनी देर रोक के रखते हैं स्क्रू को इस पोजीशन में उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। ये हम इसलिए करते हैं कि प्लास्टिक अंडर प्रेशर हमने भर तो दी लेकिन जैसे ही हम स्क्रू को वापस लाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लास्टिक उसमें से कुछ वापस आ जाए या अंदर प्रॉपरली फिल ना हो, तो ठीक से फिल हो जाए अंडर प्रेशर, क्योंकि जिस समय कूलिंग होगी तो प्लास्टिक यहाँ पर श्रिंक भी हो रही होगी, मतलब सिकुड़न भी आएगी। तो जो श्रिंक होगी प्लास्टिक उसको कंपनसेट करने के लिए जो यहाँ रास्ते में एक्स्ट्रा प्लास्टिक अंडर प्रेशर है वो अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी, भरती जाएगी। तो इसलिए हम स्क्रू को तुरंत पीछे नहीं ले जाते हैं।
यहाँ पर जब प्लास्टिक ठंडी हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, तब अगला स्टेप आता है, और अगला स्टेप है इजेक्शन. मींस नाउ द मोल्ड इज ओपेंड एंड विद द हेल्प ऑफ इजेक्टर पिंस द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड. अब मोल्ड को ओपन किया जाता है और इजेक्टर पिंस होती हैं. इजेक्टर पिंस का काम ये होता है कि वो जो मोल्ड में अंदर कैविटी के अंदर प्रोडक्ट बना है वो कई बार मोल्ड की जो इंटरनल सर्फेसेज हैं उनसे हल्का सा स्टिक हो जाता है. तो इजेक्टर पिन उन पर हल्का सा धक्का मार करके उनको मोल्ड से बाहर निकाल देती हैं. तो ये हो गए स्टेप्स जो होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के. तो कंप्लीट प्रोसेस हमने आज देखा, मशीन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप की मशीन्स होती हैं, इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. कुछ इस तरह की दिखती है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन. ओके, जो रियल मशीन होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो लगभग इस तरह के दिखते हैं. ये देखिए, ये मोल्ड का एक पार्ट है, ये है मूविंग वाला पार्ट, ये है फिक्स्ड वाला पार्ट. दिस इज फिक्स्ड प्लेटन, दिस इज मूवेबल प्लेटन, और ये मूवेबल प्लेटन अटैच्ड है क्लैंपिंग यूनिट से. यहाँ पर देखिए, ये क्लैंपिंग यूनिट इसको आगे पीछे मूव कर सकती है. जब ये क्लोज हो जाता है तब यहाँ हॉपर के थ्रू जो रेड कलर का यहाँ पर आपको दिख रहा है मटेरियल इसमें फिल हो जाता है कैविटी में. और इस हॉपर को रोटेट करने के लिए हमने यहाँ पर मोटर्स यानी कि ड्राइव यूनिट लगा रखी है. ओके, तो लगभग कुछ ऐसी दिखती है मशीन्स. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बात करी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स की, टाइप्स की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, और प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं. नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल क्या होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब हम मशीन को सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं, और जब हम वर्क करते हैं तब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, और साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ जो है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स जो होती हैं तो हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ क्यों करते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी तरह के कंटेंट्स मिलेंगे. इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, नॉन टेक्निकल लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इस तरह के वीडियोस भी आपको लगातार मिलेंगे. और इसके साथ साथ आप सब्सक्रिप्शन के साथ जो बेल आइकन है इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन, जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. गुड बाय एंड टेक केयर.